हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रीड एन एसे टाइटल्ड ऑफ स्टडीज दैट इज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन एंड दिस प्रेजेंट एसे इज टेकन फ्रॉम अ कलेक्शन नेम्ड एसेज। ठीक है, एसेज नाम से कलेक्शन था फ्रांसिस बेकन का एसेज का, वहाँ से ये जो प्रेजेंट एसे है हमारा ऑफ स्टडीज़ ये लिया गया है। ठीक है, एसे जो है वो बहुत ही छोटा एसे है। ठीक है, क्योंकि बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है, ऐसे राइटिंग स्टाइल है, वो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने वाली होती है। ठीक है, इसलिए ये जो एसे है वो बहुत ही छोटा एसे है। सो हम एसे स्टार्ट करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन फ्रांसिस बेकन इज टेलिंग अबाउट स्टडीज। ही सेज द रीडिंग ऑफ बुक्स गिव्स अस इंटेलेक्चुअल जॉय and studies embellish our conversation and we are able to explain our views and ideas with suitable illustrations and thirdly and for ability they develop our mental capacity so studies make us efficient at our work or profession सो स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज़ का जो स्टडीज़ जो है वो किस लिए होती हैं? ठीक है, तो एक तो वो डिलाइट के लिए होती हैं। स्टडीज़ गिव अस प्लेजर। ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब है यहाँ पर कि इट एम्बेलिशेज ऑवर कॉन्वर्सेशन। ठीक है, हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको एम्बेलिश करती है। ठीक है, मीन्स फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ठीक है, और साथ ही साथ स्टडीज़ जो है वो हमारी एबिलिटी जो है, ठीक है, एबिलिटी किस तरह की, लॉजिकल वे में बात करने की या फिर हमारे व्यूज़ और हमारे आइडियाज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने की, एक्सप्रेस करने की। ठीक है, तो वो जो एबिलिटी है उसको भी बढ़ाती है स्टडीज़। ठीक है, देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो डिलाइट के लिए जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हम कभी यूज़ करते हैं इसका, द चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस। ठीक है, सो स्टडीज़ का जब हम यूज़ करते हैं डिलाइट के लिए तो वो यूज़ कब होता है? प्राइवेटनेस में होता है। एंड रिटायरिंग, व्हेन वी आर रिटायरिंग। ठीक है, एंड फॉर ऑर्नामेंट। ठीक है, ऑर्नामेंट के लिए जब यूज़ करते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन को एम्बेलिश करने के लिए जब यूज़ करते हैं इज़ इन डिस्कोर्स, वो कब होता है? कॉन्वर्सेशन के टाइम में। एंड फॉर एबिलिटी इज़ इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाई वन, बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, जो एक्सपर्ट है वो क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, एंड परहैप्स ही कैन जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाई वन, बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड। लेकिन जो काउंसलिंग जो कर सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती है? वो लर्नड मैन से आती है। ठीक है, मीन्स द प्रोफेशनल मैन कैन कैलकुलेट द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस। द पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट, द प्रोफेशनल मैन कैन कैलकुलेट द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस। However, the vision of a professional man is limited. He cannot have a broad view of the whole affair. But the learned man, on the other hand, can successfully direct the general policy of a business and he can also direct the management of general problems.
सो अ मैन हु हैज़ स्टडीड बुक्स ऑन कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स प्रूव्स टू बी मोर कॉम्पिटेंट देन वन हु इज सिंपली प्रोफेशनल. नेक्स्ट लाइन इज टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली बाई दियर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर. सो टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज वेस्ट इज स्लोथ. And if we go on reading throughout the day without doing our respective business, we would be called indolent. We would be called sloth. So like other things in life, excessive indulgence in study should be avoided. Means ये ज़रूरी नहीं है कि आप all time studies करते रहें, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं और जो पूरा टाइम है वो स्टडीज़ में स्पेंड करते हैं तो इट इज़ स्लोथ, ठीक है? टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन. और अगर आप सिर्फ अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हैं, डिस्कोर्स के टाइम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या है, आपका अफेक्टेशन है, सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है? And to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. और आप judgment कर रहे हैं सिर्फ rules के आधार पर, ठीक है, rules के base पर. So ये कैसा है, is the humor of a scholar, ठीक है? ये ऐसा है जैसे कि humor है scholar के लिए, ठीक है? Because there are some people who follow rules given in books to the last point without exceptions, and they do not try to understand a particular situation. So here Bacon condemns them. It is a pity that these learned men blindly stick to the bookish rules without noting exceptions. It is nothing more than the whim of the learned person. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स में जो रूल्स दिए हुए होते हैं वो दे आर स्टिक्ड, ठीक है, उन रूल से चिपके हुए होते हैं एक तरह से. तो उनको एक तरह से यहाँ पे बैकन जो है वो कंडेम कर रहे हैं. क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वाइज मैन यूज देम. फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबोव देम वन बाई ऑब्जर्वेशन. तो जो लोग क्राफ्टी होते हैं वो स्टडीज़ को कंडेम करते हैं, सिंपल जो होते हैं वो एडमायर करते हैं, लेकिन जो वाइज होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडीज़ का यूज़ करते हैं. क्योंकि जो वाइज होते हैं दे टीच नॉट देयर ओन यूज़ बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबोव देम वन बाई ऑब्जर्वेशन, बिकॉज दे ऑब्जर्व द थिंग्स वाइजली, दे वाइजली ऑब्जर्व द थिंग्स. Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider. ठीक है, तो read not to contradict and confuse. Contradict करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए मत पढ़ो. Nor to believe and take for granted, ना ही किसी चीज़ को मानने और उसका फ़ायदा उठाने के लिए पढ़ो. Nor to find talk and discourse, ना सिर्फ बात करने के लिए और ornamentation के लिए पढ़ो, बट टू वे एंड कंसिडर. किस चीज़ के लिए पढ़ो, वे एंड कंसिडर, पढ़ो, समझो और फिर मानो उसको, ठीक है? और तब भी अपनी खुद की लॉजिकल थिंकिंग और अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो व्यूज़ हैं, उनका यूज़ करते हुए वे करो, कंसिडर करो, फिर उस चीज़ को क्या करो, मानो. नेक्स्ट है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलूड, एंड सम फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड. दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन. सो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट किए जाने की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स लाइटली पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है. अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पढ़ो, ठीक है, और कुछ कुछ समझो. टू बी स्वेलोड
एंड सम फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पढ़ो समझो, ठीक है, और उनको अपनाओ, एक तरह से डाइजेस्ट करो। दैट इज़ सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, मीन्स कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ पार्ट्स में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रीड इट हॉली, अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको क्यूरियसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ो बस। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। और दूसरी कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, अटेंटिव होकर पढ़ने की ज़रूरत है। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाई डिप्टी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाई अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। और कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपके डिप्टी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उनमें जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी और ने पढ़ी है और उसने कुछ एक्सट्रैक्ट्स को आपके लिए पढ़ने के लिए सजेस्ट किया है। तो कुछ बुक्स ऐसी होती है जो इस तरह से पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो तभी होनी चाहिए इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, जब बुक जो है वो कम इम्पोर्टेंस की है, ठीक है, कम इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज सभी बुक्स को अगर इस तरह से पढ़ा जाएगा तो वो सिर्फ कैसी होंगी, डिस्टिल्ड वाटर की जैसी होंगी, ठीक है। एंड देर आर सम बुक्स मस्ट बी स्टडीड सीरियसली एंड थोरोली, एंड एवरी फैक्ट एंड एवरी अल्यूजन मस्ट बी कंसल्टेड एंड फुली मास्टर्ड। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो रीडिंग जो है वो फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, इफ ही कॉन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, एंड इफ ही रेड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डॉट नॉट। सो रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। एंड देयर फोर अगर कोई व्यक्ति कम लिखता है तो ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसको ज़रूरत है एक ग्रेट मेमोरी की। एंड इफ ही कॉन्फर लिटिल, अगर वो कम लॉजिकल बातें करता है, ठीक है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट, अगर वो कम बातें करता है, ठीक है, टॉकेटिव नहीं है, तो ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विथ वेट, तो उसको